आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से खिचड़ी बनाने का तरीका। ये जो खिचड़ी है खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन और अभी इसमें डाल देंगे चावल। अब बासमती की जगह कोई भी चावल इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने नॉर्मल चावल ले लिया है, आधा कप वो डाल दी है और जितना मैंने चावल डाला है ना उतना ही इसमें डाल देंगे दाल। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है मूंग दाल, तो मूंग दाल भी मैंने यहाँ पे आधा कप ले लिया है, अभी डाल देंगे। आप मूंग दाल की जगह मुसर दाल भी ले सकते हैं। अभी इन दोनों को डालने के बाद इसमें डाल देंगे पानी और पानी डालने के बाद दाल और चावल को अच्छी तरह से 2-3 बार वॉश कर लेंगे पहले। तो यहाँ पे मैंने 2-3 बार अच्छे से चावल और दाल को वॉश कर लिया है। अभी इसमें फिर से डाल देंगे पानी और पानी डालने के बाद इसे 1 या 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा चावल और दाल जो है वो अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पे मैंने गैस के ऊपर रख दिया है एक कुकर को। अभी कुकर को गर्म होने देंगे, जैसे ही कुकर गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे ऑयल। आप ऑयल की जगह घी भी डाल सकते हैं, तो मेरे पास घी नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाल दिया है। अभी ऑयल को गर्म होने देंगे, जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाए इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग। तो हींग डालने के बाद इसमें डाल देंगे आधा चम्मच साबुत जीरा और जीरा डालने के बाद अभी इसमें डाल देंगे 10-12 करी पत्ते। बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है खिचड़ी में। अभी इसमें डाल देंगे 3-4 सूखा लाल मिर्च और इसमें डाल देंगे 1 कटी हुई प्याज और प्याज को अभी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अभी इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इनको भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अदरक लहसुन को भी 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे सब्जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया है आलू, टमाटर, गाजर, हरे मटर और बीन्स। आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जी हो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने पहले मटर नहीं डाला था, अभी डाला है। तो मैंने यहाँ पे 1 कप जितना डाल दिया है मटर और डालने के बाद इन सभी सब्जी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने 2 मिनट तक सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अभी 2 घंटा पहले मैंने चावल और दाल को जो भिगो के रखा था वो डाल देंगे और डालने के बाद इनको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। अभी इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल देंगे आधा चम्मच धनिया पाउडर और इसमें कुछ मसाला ऐड नहीं करेंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला है और पहले ही मैंने साबुत जीरा डाल दिया है इसलिए मैंने यहाँ पे जीरा पाउडर भी नहीं डाला है। तो देख सकते हैं और 1 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी मैंने यहाँ पे लगभग 8 कप जितना डाल दिया है, देख सकते हैं। और डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक। तो मैंने यहाँ पे नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, तो स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। और नमक डालने के बाद फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और इसमें 2-3 सीटी आने देंगे। 3 सीटी आने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और ठंडा होने के बाद आप लोग देख सकते हैं हमारा जो खिचड़ी है वो बनकर तैयार है। तो मुझे थोड़ा पतला लग रहा है इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को फिर से ऑन किया है और इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। जब तक हमारा खिचड़ी गाढ़ा हो रहा है तब तक और एक काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तड़का पैन में ऑयल डाल दी है और इसमें डाल देंगे 3-4 हरी मिर्च तोड़ के और साथ ही साथ इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गरम गरम तड़के को डाल देंगे गरम गरम खिचड़ी पे इस तरह से मिक्स करके और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गैस के फ्लेम को मैंने यहाँ पे ऑफ नहीं किया है, अभी ऑन है। 1-2 बार इस तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से लगातार मिक्स करते रहना, नहीं तो नीचे से लग जाएगा खिचड़ी।
तो अभी हमारा जो खिचड़ी है वो गाढ़ा बन चुका है। तो अभी क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपके पास हरा धनिया हो ना तो आप हरा धनिया भी डाल देना। तो मेरे पास हरा धनिया नहीं था इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। तो अभी हमारा खिचड़ी बनकर तैयार है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन, आप कोई भी प्लेट भी ले सकते हैं। अभी खिचड़ी को सर्व कर लेंगे। तो हमारा मज़ेदार खिचड़ी बनकर तैयार है। बहुत ही सिंपल तरीके से ये जो खिचड़ी है ना बनकर तैयार होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस खिचड़ी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय फ्रेंड्स।